सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन का गोश्त, जो बड़े तरीके से धोके मैंने इसको साफ सुथरा करके रख लिया, और उसके बाद लिए मैंने 1/2 किलो आलू। दोस्तों याद रखिएगा कि आपने जब भी आलू चिकन में या गोश्त में डालने हैं उनका साइज इस तरह बढ़ाना चाहिए। उसके बाद मेरे पास है गार्निश के लिए धनिया, 3 हरी मिर्ची, 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 4 से 5 अदद मैंने सब्ज मिर्ची का बारीक बारीक काट लिया है, और खड़े मसाले में मेरे पास 1 चम्मच चाय का जीरा, 7 से 8 अदद लौंग, और 8 से 10 अदद जो है वो काली मिर्ची, और 1 बादिया खटाई का फूल खुशबू के लिए, और मेरे पास है 1 कप ऑयल, और बाकी लवाजमात मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है आलू चिकन बनाने के लिए, और सबसे पहले इसमें मैं डालूंगा 1 कप ऑयल, इसको गर्म होने तक थोड़ा वेट करेंगे। व्यूअर्स मेरे स्टेप्स को मेरे ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उसके बाद आप बनाएंगे एक मज़ेदार आलू गोश्त शोरबे वाला। दोस्तों मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले ये मसाले ऐड करूंगा, इनको फ्राई कर लूंगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं अपने प्याज ऐड करूंगा, और मैं आपको बताता चलूं कि ये मसाले मैंने खड़े मसाला इसलिए डाला है कि एक तो इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए और मेरा आलू चिकन एक मज़ेदार चीज़ बनेगी। और तो उसके बाद मैं डालता हूँ इसको, सिर्फ आपने 1 मिनट देना, बस ज़्यादा नहीं देना था। अब इसके बाद डालूंगा प्याज, प्याज मुझे डार्क ब्राउन चाहिए, प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। दोस्तों देखें मेरा प्याज अभी ये थोड़ा ब्राउन हुआ है, लेकिन मुझे ये डार्क ब्राउन चाहिए। दोस्तों ये देखें मेरा प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है, कलर देखें इसका, और इसके बाद मैं ऐड करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और इसके बाद लाइट ब्राउन करूंगा। मेरा लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो रहा है। दोस्तों मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट वो ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूंगा जो मेरे पास चिकन है इसको धो के रखा हुआ मैंने, और अब इसको फ्राई करूंगा। लहसुन अदरक में चिकन फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जबकि फ्राई करने से गोश्त गलता नहीं है। प्याज में लहसुन अदरक में जब हम लोग फ्राई करेंगे इसमें जो थोड़ी बहुत खमक होती है वो खत्म हो जाती है। 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों ये देखें मेरा चिकन लाइट ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगा टमाटर, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगा सब्ज मिर्ची, अच्छे से फ्राई कर लूंगा। हर चीज को आपने टाइम देना है, ठीक है, प्याज को टाइम देना है, लहसुन अदरक को टाइम देना है, ठीक है, चिकन को टाइम देना है, टमाटर को टाइम देना है, सब्ज मिर्ची डाली इसको टाइम देना है, जिस चीज का प्रॉपर टाइम देंगे, और जब वो बनेगी वो खुद अपनी शक्ल बताएगी कि जी मैं पक चुकी हूँ, ठीक है। तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अभी थोड़ा टमाटर गलने देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल आए। व्यूअर्स मेरे जो मसाला जब डाले थे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं, ये देखें
कोई भी चीज नहीं नजर आ रही। अभी इसमें मैं डालूंगा आलू और अब आलू को फ्राई करेंगे। अब ये मसाला जो ना ये अब आलू मसाला जाएगा। ये दोस्तों मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इन आलूओं को फ्राई कर लिया है और अभी मैं इसमें ऐड करूंगा दूसरे मसाला जात, 1 चम्मच मिर्ची और 1/2 चम्मच धड़ा मर्च, ये इसका टच है। 1/2 चम्मच लूंगा हल्दी और 1/2 चम्मच इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इन मसालों का टेस्ट और जो हम लोगों ने पहले मसाले डाले थे उनका टेस्ट एक सा हो जाए। और जीरो आपने जब इनको फ्राई करना है तो फ्राई के दौरान आपका फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारी जो इसकी भुनाई है ना जब हमने इनको फ्राई करना है वो अच्छे से हो जाए। देखें अभी मैंने डाला, अभी इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ किस्म का कलर आ जाएगा इसका। आपको पता है कि मैं अपनी हर रेसिपी में जोर देता हूँ कलर में, इसकी शक्ल में, इसकी लुक में। नहीं दोस्तों मेरा आलू चिकन अभी फ्राई हो रहा है, इसकी कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच नमक, इस टाइम पे ऐड करूंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा। दोस्तों जितना अच्छे से फ्राई करेंगे आप इसको और इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके शोरबे में। शोरबे वाला जो भी आलू गोश्त बनाए, आलू चिकन बनाए, उसको फ्राई अच्छे से करें, जितना अच्छे से फ्राई होगा उतना अच्छा टेस्ट इसका आएगा। ये देखें इसकी लुक, देखें लुक भी खूबसूरत है और टेस्ट भी खूबसूरत होगा। दोस्तों ये मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हुए हैं आलू को और चिकन को फ्राई करते हुए। अब इसकी लुक देखें, अभी इसमें मेरे पास 3 गिलास पानी है, मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगा। और आप पानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि मुझे इसमें नॉर्मल शोरबा चाहिए। अपने हिसाब से पानी डालिएगा, आपको जिस हिसाब से शोरबा चाहिए, लेकिन मैंने इसमें उतना पानी ऐड किया जितना मुझे चाहिए था, कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और अभी मैं इसको बंद कर दूंगा और 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। दोस्तों मेरे आलू चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको चेक करते हैं जबरदस्त कलर है, बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू आई है। और अभी देखते हैं मेरा आलू, हम लोग आलू चेक करते हैं कि आलू हमारा गला है या नहीं। चलिए जी इसको मैं चेक करता हूँ, जबरदस्त, ये तो बड़ा सॉफ्ट हो गया, क्या बात है। और अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे चिकन की क्या सूरत हाल है, इसको 10 मिनट के लिए मैं रखा था। ये देखें व्यूअर्स, ड्रमस्टिक देखें अच्छे से गल चुकी है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगा 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये जनाब इसमें चला गया 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। और उसके बाद और इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और अभी मैं इसमें डालूंगा धनिया गार्निश के लिए और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगा ताकि मेरा धनिया जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। और ये मेरे पास 4 मिर्ची थी, इसको मैं खूबसूरत अंदाज में इसको ऐसे रखूंगा
और इसको जो ना एक मिनट के लिए मैं ढाल देता हूँ, एक से दो मिनट के लिए, इसके बाद चेक करते हैं। इसको मैं उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ले दोस्तों, एक से दो मिनट हो चुके हैं, अभी इसको चेक करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत रंगत है, कितना देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, क्या बात है दोस्तों। देखें, आपको लग रहा है ना कितने कमाल के आलू चिकन बने हैं, देखें जबरदस्त। और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले दोस्तों, इसको मैंने डिश आउट कर लिया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें जो शक्ल में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में कितना मजेदार होगा। और इसको आप सर्व करें चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जी दोस्तों, इसके लिए लिया मैंने एक किलो चिकन, इसमें से कुछ मैंने बोनलेस लिया और कुछ मेरे पास जो है वो बोनलेस है। एक किलो चिकन इसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई करके रख लिया, और उसके बाद मेरे पास एक कप दही और एक लेमन का जूस, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, तीन चम्मच तिक्का मसाला, वो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और मेरे पास है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच दड़ा मिर्च। और अभी मैं अपने चिकन को मैरिनेट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहले इसमें ऐड करूँगा लेमन, लेमन का जूस, इसको अच्छे से इसको इस तरह करके। और उसके बाद है मेरे पास, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद मैं ऐड करूंगा टिक्का मसाला तीन चम्मच, और दोस्तों अब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच, ये इसमें डाल, ये डाल दिया जी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा एक प्याली दही, और इसको बड़ा अच्छे से हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि हर चीज़ जो है अच्छे से इसको लग जाए। इस तरह करके देखें, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों जब ये इसको मैरिनेट करके रख लेंगे आपको, और मैं आज एक ऐसी रेसिपी दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, आपको खुशबू भी वही आएगी कि जैसे आप बाजार से टिक्का लेके आए हैं, मज़ेदार किस्म का स्पाइसी टिक्का जैसे आप बाइट से पसंद करते हैं। इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लें आप। दोस्तों देखो, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगा ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब मिलते हैं आपको 2 घंटे के बाद। जी दोस्तों, चिकन टिक्का बोटी को 2 घंटे हो चुके हुए हैं इसको मैरिनेट किए हुए, अभी इसको खोलते हैं और इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लूं, फिर उसके बाद ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। दोस्तों उसको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लूं, और ये देखें हमारा कितना अच्छे से मसाला इसको लग चुका हुआ है, बड़े अच्छे से हमारा चिकन टिक्का बोटी जो ना अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये मैरिनेट हो गया हुआ है, एक एक मसाला इसको लग गया हुआ है। और दोस्तों अब इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे, बड़ी प्यारी सी कढ़ाई है मेरे पास इसमें, और इस बॉल को अच्छे से इसका ये जो दही था मसाला था इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। और जी जनाब, अभी मैं अपना फ्लेम ऑन करूंगा, और हमारा चिकन जो ना वो सॉफ्ट हो चुका हुआ दही में मेरे नेट की वजह से, और ये जो दही हम लोगों ने इसमें डाली थी तो हम लोग अब इसी में पकाएंगे इसको। और
दोस्तों देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की लुक आ रही है, और जब आप खाएंगे और मजे करेंगे। नहीं दोस्तों, ये हमारा जो मैं इसको ये बॉयल होना शुरू, जी दोस्तों ये देखें अभी ये पकना शुरू हो गया, तकरीबन ये 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और ये देखें मेरा कितना सिंपल और सादा तरीका है, और आपको वही टेस्ट मिलेगा जो आप बाइट से परचेज करते हैं। सी दुकान से आप जाते हैं कि जी हमें टिक्का खाना, चिकन टिक्का, और मैं जनाब आपको चिकन टिक्का आपके किचन में फ्राई करके दिखा रहा हूँ कि ये जी इस तरीके से चिकन टिक्का घर बनाया जाता है। आपको वही टेस्ट, वही खुशबू और वही कलर मिलेगा। मेरे साथ रहिएगा और देखते रहें इसको मैं कितने टाइम पे और किस पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ इसको। नहीं दोस्तों, अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको ढाँप दूंगा ताकि दही पानी छोड़ दे और उस पानी में चिकन गल जाए, फिर अगला स्टेप मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। जी मेरे बहनों और भाइयों देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो रहा है, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, क्या बात है। और ये आप जब इसको बनाएंगे तो फ्राई करेंगे तो आपके भी यकीनन मुंह में पानी आ जाएगा इसकी खुशबू से। और ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, और ये मेरा दही जो ना आधा रह गया, अगले 5 मिनट तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आपके सामने। और इसकी लुक देखें। और दोस्तों एक चीज़ का और ख्याल रखें कि ये जो साइडें हैं, क्योंकि आपने टिक्का मसाला डाला हुआ है, ये साइडें आप साथ जो ना साफ करते रहें, ये क्योंकि ये यहाँ पे मसाला काला हो जाएगा और बुरा लगेगा, आपकी जो ना चिकन टिक्का की लुक जो है वो खराब करेगा, इसलिए ये जो इसको साफ नहीं आपने लगने देंगे। ये देखिए कितना खिला खिला सा कलर है, वाह जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा चिकन कितना पक चुका है। ये चेक करते हैं जी इसको, और ये देखिए कितना नरम है, ये देखें अच्छे से गल गया हुआ है। और इसकी लुक देखें, और देखें अभी बिल्कुल करीब करीब आ चुका हुआ है ये। दोस्तों ये देखें इसकी लुक देखें, मेरा दही बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और तकरीबन ये हो चुका है, अगले 2 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। ये देखें दही जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अभी ये बिल्कुल रेडी है। और अभी चलते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। ये देखें बिल्कुल दही पानी या कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो मसाला था वो अच्छे से इसको लग चुका हुआ है, जैसे अभी अभी मैरिनेट किया है इसको। ये देखें बिल्कुल मैरिनेट वाला मसाला, इस लुक को आपने अपने जहन में रखना है। और अभी मैं अपना फ्लेम बंद कर दूंगा, मैंने अभी अपना फ्लेम बंद कर दिया, ये बिल्कुल रेडी हो गया। और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, इस तरह इसको खोल के रख दें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और फिर इसको हम लोग फ्राई करेंगे। दोस्तों इसको मैंने ठंडा करके प्लेट में निकाल लिया, ये देखें इसकी लुक, आपका टिक्का इस लुक में आएगा। और मेरे पास 1.5 कप ऑयल था जो मैंने फ्राई पैन में गर्म कर लिया है। दोस्तों इसको फ्राई इस तरीके से करना है कि सिर्फ हमने इसकी जस्ट लुक लेके आनी है, वो लुक जो आप बाइट से लेके आते हैं, शॉप से लेके आते हैं चिकन टिक्का, हम लोगों ने फ्राई करने, ये पक चुका हुआ है, हम लोगों ने फ्राई करने का मकसद ये कि इसको लुक देनी है। मैं इसको 1 मिनट करके डालता हूँ, और इसको आपने हल्की आंच पे रखना है। देखें देखें इस तरह आपने इसको खूबसूरत तरीके से अपने इसको ऑयल में डाल देना है, और
और इसको कुछ सेकंड्स के लिए रखना है, इसको पकाना नहीं है, ये पक चुका होगा पहले, इसको कुछ सेकंड के लिए रखना आपने। दोस्तों अब मैं इसकी साइडें चेंज करूंगा, तरीके से इस तरीके से आप सबकी साइडें चेंज कर लेंगे, नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली साइड नीचे आ जाएगी। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये देखें, एक मिनट, इसको मैं उठाता हूँ इससे, और ये देखें दोस्तों, ये देखें इसकी लुक आ रही है जिस तरह वो टिक्के के लिए मैं साइड से पकड़ता इसको, ये देखें इसकी लुक देखें। अब इसको पकड़ने देते हैं दूसरी साइड इसकी, और इसको आपने ज्यादा टाइम नहीं देना है। दोस्तों ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की लुक आ गई है, कहीं से डार्क ब्राउन, कहीं से लाइट ब्राउन, जिस तरह हम लोग बाजार से टिक्का लेके आते हैं सेम वही लुक आ गई है, और खुशबू बहुत कमाल जबरदस्त। अभी मैं इसको इसकी वो साइड नीचे वाली ऊपर करता हूँ, ये देखें। तो ये देखें कितनी कमाल की लुक है इसकी, ये देखें। अभी जब मैं इसको निकालूंगा भाई फिर आपको दिखाता हूँ, और इसमें से मेरे कुछ पीस जो वो जल्दी पक चुके हुए हैं उसको मैं निकालता हूँ। लें जी, ये एक मैजिक है, देखें आ गई वो लुक। अभी वन बाय वन मैं इसको निकालूंगा, दोस्तों ये देखें लग रही है इसकी लुक बाजारी तिक्के की जैसे हम लोग बाजार से लेके हैं। देखें कितना कमाल का कलर आ गया इसका, ये देखें मैं करीब से दिखा रहा हूँ इसको, जबरदस्त। और इसी तरह जो बाकी चिकन है अभी इसी तरह उसी को उसको फ्राई कर लेंगे वन बाय वन। तो अभी उसके बाद मैं ये इसके जो लेग पीस हैं वो इसमें हमारा ये चिकन रेडी होता है, और साथ में दूसरे चूल्हे पे एक कोजा रख दी है, ये देखें, और कलर तो ले हम लोग अब कोले से लेके आएंगे इसकी खुशबू वो जो टिक्का बॉडी में आती है जब तक मेरा कोला रेडी होता है। इसको देखिए दोस्तों, सेम आपको वही कलर वही लुक और वही टेस्ट आएगा। नहीं जी दोस्तों, इसकी मैंने देखें साइड चेंज कर दी है, ये नीचे से पक चुका है, ये देखें, ये छोटे पीस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये नीचे से पक चुका है, और अभी मैं इसको निकालता हूँ। ये दोस्तों देखें हमारा, देखें दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे और उसके बाद इसको भी। नहीं दोस्तों, हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है, और अभी इसका आखिरी मरहला रह गया। अब इसका इसको लास्ट स्टेप में
इसको कोयले का धुआं देंगे और आपको 100% वही टेस्ट आएगा। दोस्तों ये हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें अभी इसको मैंने एक बॉल में लेके और इसमें एक प्याज रखा है, प्याज का छिलका ये देखें इस तरह आपने ये इसमें रख लेना है और इसमें रखेंगे कोयला। लीजिए इसके ऊपर एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और ये हमारा धुआं शुरू हो गया, इसको बंद कर देंगे। और ये देखें ये आपका ये धुआं इसमें सारा टेस्ट डालेगा। ले जी हमारा मजेदार किस्म का चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है और इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल देंगे और इसकी खुशबू, इसका कलर देखें। और अभी मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बाजार से लेके आए। देखें इसकी लुक देखें और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा। ले लिया मैंने चिकन, ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया। उसके बाद मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 1 कप दही, 1 कप दूध और 1 कप मलाई, ये किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं आप लोग, 1 कप ऑयल। उसके बाद मेरे पास 12 अदद बादाम जिनको मैंने पानी में घो के उनका छिलका अच्छे से उतार लिया। 12 अदद काजू मेरे पास है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच लेमन का रस, 1/2 चम्मच बारीक पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच व्हाइट पेपर यानी सफेद मिर्च, नमक हसबे जायका आप अपने हिसाब से रखिएगा। और मेरे पास है जी खड़े मसाले में 2 तेज पात, 1/4 जीरा, 12 अदद मेरे पास हैं काली मिर्च और 5 से 6 अदद है लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 बादिया का फूल और 4 अदद इलायची। और ये देखें व्यूअर्स कितनी खूबसूरत मेरे पास सब्ज मिर्ची है, इनको मैंने इनको चॉप करके और इनको डेकोरेट करके दिखाऊंगा आपको। तो चले शुरू करते हैं और अभी चलते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। दोस्तों मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप ऑयल प्याज के लिए, जब तक मेरा प्याज और ऑयल गर्म होता है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे प्याज और इसको फ्राई कर लेंगे। हम लोग प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए, और इसका कच्चापन तब ख़त्म होगा जब ये ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन लाइट ब्राउन से कहते हैं। ले जी मेरा हमारा प्याज ये लाइट ब्राउन हो चुका है। देखें हम लोग को ऐसा प्याज चाहिए, आपने इसको डार्क नहीं करना क्योंकि हम लोग व्हाइट कॉर्मा बना रहे हैं। ये देखें आपको एक एक चीज नजर आ रही है, इससे ज्यादा हमने इसको आगे नहीं लेके जाना। निकाल देंगे अच्छे से प्याज। अभी फ्राई किए हुए प्याज अपने ग्राइंडर में डालेंगे। अभी 1 कप दही मेरे पास है वो ऐड करूंगा और 1 कप दूध, 1 काजू और बादाम, अभी बादाम ऐड करूंगा और काजू, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ले जी तमाम मसाले हमारे से ब्लेंड हो चुके हैं, ये देखें ये एक ही पेस्ट बन चुकी है। दोस्तों इसी ऑयल में जिसमें से प्याज निकाले थे हमने, मैं इसमें डालूंगा अपने खड़े मसाले, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और आपने फ्लेम मीडियम रखना है ताकि ये जले ना, और
चंद सेकंड के लिए आपने इसको रखना है, अगर ज्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे। और इसके बाद मैं लूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूंगा चिकन। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, इतना फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज हो इसका। ये चिकन फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालूंगा लेमन का जूस और व्हाइट पेपर्स और ब्लैक पेपर्स और नमक, नमक हसबे जायका आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त इसका चिकन फ्राई हो चुका है, क्या बात है। और इसकी खुशबू इतनी कमाल की आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इसको सारे का सारा खाऊं। और वाइट पेपर की तो एक अपनी लज्जत है ना। और इस टाइम पे मैं ऐड करूंगा, मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी थी सबज सुरख मिर्ची, ये देखें क्या कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है जबरदस्त। और इसको थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि ये भी गल जाए। और ले जी सबज मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, अभी इसमें ऐड करूंगा मैं ये जो मेरे पास पेस्ट था, मैंने प्याज का दही का ये पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ले जी जिस टाइम मैंने पहले भी बताया था कि जब आपने दही या दूध डालना है आपने फ्लेम इसका कम रखना है, लो रखना है बिल्कुल, तब आपने डालना है। और ये मैंने इसमें डाल दिया, इसका फ्लेम मैंने पहले लो कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग दम दे देंगे, उसके बाद चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है, अगर जरूरत पड़ी तो इसको और दम देना देंगे। नहीं जी 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। अभी दही के अंदर हमारा चिकन पक भी जाएगा और अच्छे से ये गल भी जाएगा, अभी मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अभी हम जाते हैं इसके आखिरी मरहले पे और जनाब अभी मैं इसमें ऐड करता हूँ क्रीम, ये इसका फाइनल टच है, टच है देखिए जी, और देखिएगा कितना कमाल का कलर इसका निकलता। नहीं जी ये मैंने ऐड कर दी इसमें क्रीम, क्या बात है। ये दोस्तों इसमें क्रीम मैंने ऐड कर ली है, अब इसमें डालूंगा ये मैं सबज मिर्च और थोड़ी देर के लिए इसको दम देंगे और फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ले जी इसको बड़े अच्छे तरीके से ढांप दिया है दोस्तों, आपने सिर्फ इतना फ्लेम रखना है तो फिर आपकी क्रीम बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑयल चढ़ेगी और बड़ी खूबसूरत लुक होगी। 5 मिनट मैंने जो आपको बोले थे वो इतने फ्लेम पे कहा था और फिर देखिएगा कितनी कमाल की लुक निकलेगी और कितनी कमाल की खूबसूरत कढ़ाई बन चुके हैं, देखते हैं क्या बात है। बड़ा जबरदस्त किस्म का कलर है और मेरी वाइट कॉर्नर बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखें इस पे ऑयल आ चुका है, ये देखें क्या बात है, खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल गई है। और अभी इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये दोस्तों अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ आपके सामने और
इसको बड़े प्यारे अंदाज में सजाता हूँ और फिर दिखाता हूँ जी आपको कि कितना जबरदस्त किस्म का कोरमा बना है, वाइट कोरमा। ये देखें क्या बात है, इतनी कमाल की खुशबू, जबरदस्त। ले दोस्तों, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, देखिए कितना खूबसूरत मैंने सजाया इसको, गार्निश किया अदरक और सब्ज मिर्च से, लाहौरियों की जनाब फेवरेट चीज वाइट कोरमा। क्या बात है, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच सके। और ले जी, मजेदार देसी मुर्ग का सालन बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। ये है जी देसी मुर्गे का गोश्त, तो उसको मैंने जबा किया तो इसका गोश्त है तकरीबन 1.25 किलो के करीब, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद है मेरे पास बड़े साइज के 2 टमाटर, बड़े साइज के 2 प्याज, 6 अदद बड़ी प्यारी सी सब्ज मिर्ची और 2 टेबलस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून है मेरे पास हल्दी और खड़े मसाले में मेरे पास है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा और ये है जी 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद ये देखें जी 2 अदद बड़ी इलायची, मैं आपको दिखाऊं ये देखें, और 2 अदद छोटी इलायची और 4 से 5 अदद हैं जी मेरे पास लौंग। और स्पाइस में मेरे पास है जी 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये हस्बे जायका है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं आप, और 1/2 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून है मेरे पास दड़ा मिर्च और 1 कप मेरे पास है जी कुकिंग ऑयल। ले जी देसी मुर्गे का सालन शुरू करते हैं। ये जी मेरे पास चिकन और इसमें जाएगा कम से कम 1.5 लीटर पानी क्योंकि ये ब्रॉयलर नहीं है, इसको पकने में भी टाइम लगेगा तो इसलिए पानी नॉर्मली इसमें 1 लीटर जाएगा लेकिन मैं 1.5 लीटर डाल रहा हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है, भाई बारिश हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ जनाब बच्चों को 1-1 कप इसकी यखनी भी निकाल के दूँ। लें जी, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगा प्याज, प्याज को ज़्यादा नहीं करूँगा इसके, इस तरीके से मैं 2 पीस करूँगा डाल दूँगा। और आज जनाब हम लोगों ने 2 फायदे उठाने हैं, एक तो हमने बनाना है सालन और दूसरा जनाब हम बनाएंगे इसका सूप, मौसम ठंडा है बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ये देखें जी टमाटर भी क्या करेंगे इस तरीके से 2-2 पीस करके डाल देंगे और जबकि मैंने भी बताया कि मैं जनाब बच्चों के लिए सूप बना रहा हूँ साथ इसमें, तो सूप में क्या होगा कि सब्ज मिर्ची ज्यादा नहीं जाएगी, इसमें मैं डालूंगा 3 अदद सब्ज मिर्ची। ले जी इसको इस तरह काट देंगे इसको और दिखाई मैंने 6 थी, बाकी जो 3 है जब वो सालन बनाएंगे तब बनाएंगे क्योंकि अगर इसमें ज्यादा मिर्ची होगी ना सब्ज तो बच्चे पिएंगे नहीं, इसलिए सिर्फ मैं 3 अदद इसमें मिर्ची डालूंगा और इसमें डालूंगा हल्दी मेरे पास, ये देखिए आधी हल्दी मैं इस टाइम इस्तेमाल करूंगा और आधी हल्दी बाद में। लें जी आधी हल्दी मैंने डाल दी और इसमें जाएंगे जनाब खड़े मसाले, बड़ा मजेदार टेस्ट आएगा। ले जनाब ये जी प्रोसेस शुरू हो गया। और बहनों भाई एक चीज मैं और खास बताता चलूं कि मैं नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये नमक इसमें डालूंगा तो ये गलेगा, गलने में टाइम लेगा, अच्छे से गलेगा नहीं, इसलिए मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया। मैंने सूप के लिए मैं अगर जब बच्चों को दूंगा नमक उसमें बाद में ऐड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें डाली हैं और जनाब ये देखिएगा कितना कमाल का मजेदार सूप बनेगा आपके सामने। ले जी अब मैं इसको ढांप दूंगा और फ्लेम को कर दूंगा मैं मीडियम। ले जी फ्लेम मीडियम कर दिया मैंने और ये कम अज कम जो तैयार होगा ये गलेगा वो कम अज कम 60 मिनट में यानी 1 घंटे में गलेगा क्योंकि ये घर का पला हुआ मुर्गा है। ब्रॉयलर मुर्गी जब हम लोग बाजार से लेके बनाते हैं तो वो क्या होता है कि 20 मिनट में तकरीबन 20 मिनट में वो तैयार हो जाती है, ये 1 घंटा इसलिए लेगा क्योंकि ये देसी है। तो चले जी मिलते हैं 1 घंटे के बाद, गाय बगाहे मैं आपको दिखाता जाऊंगा इसकी लुक किस तरह की आ रही है। नहीं जनाब अभी 30 मिनट हो चुके हुए हैं, चेक करते हैं इसको। वाह जी वाह क्या बात है, फ्लेम मेरा मीडियम था
और वो देखे साइडों पे ऑयल आ चुका हुआ है और बड़ी जबरदस्त सी यखनी बन रही है जनाब। और अभी इसको मजीद मैं एक दफा चेक करता हूँ। ले जी चेक करते हैं इसको। ले जी अभी थोड़ा सा इसमें अभी कसर है वो देखें, तो अभी मजीद इसको मैं 15 मिनट और दूंगा और उसके बाद ये जो टमाटर के छिलके हैं इनको निकाल दूंगा मैं। ले जी मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ले जी मजीद 15 मिनट हो चुके होंगे हैं और मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको। ज़बरदस्त देखिए मेरा पानी कितना रह गया है, गोश्त नजर आना शुरू हो गया। तो अब मैं बच्चों के लिए जनाब यखनी निकाल लूंगा। ये देखें जी इसमें से यखनी मैंने सारी नहीं निकाली, थोड़ी बचाई है मैंने। और जनाब ये यखनी निकाली है मैंने बच्चों के लिए, कितनी खूबसूरत देखें लुक इसकी, क्या बात है। ले जी अगला प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो टमाटर के छिलके हैं मैं इनको निकाल लूंगा। देखें प्याज मैंने दो जगह के डाला था, ये भी बिल्कुल दो दो हिस्से हो गए हैं ये देखें जी। ले जी ये इस टमाटर के जनाब ये छिलके निकाल दिए मैंने। ले जनाब ये टमाटर के छिलके मैंने निकाल दिए हुए हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट। याद रखें कि इस टाइम पे डालना है इसमें। और ले जी इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगा अपने स्पाइस हल्दी और कुकिंग ऑयल। ले जी सारी चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हुई हैं। ले जी अभी इसको टाइम दूंगा 5 मिनट का ताकि ये जो स्पाइस है अच्छे से इनका असर निकल आए। यखनी रखने का मतलब ये था कि ये जो मैंने मसाले डाले हैं ताकि अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाए, इनका असर जो टेस्ट है गोश्त के अंदर चला जाए। और जब ये यखनी ड्राई होगी तो फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। नहीं जी देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसका कलर देखें। और ये देखें जनाब गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है, यानी ये बड़े अच्छे से गल चुका हुआ है। नहीं जी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छे से ये गल चुका हुआ है। और ये देखें, ये देखें जनाब ये देसी मुर्गा है। और ये देखें मैंने जो आपको टाइम बताया था उस टाइम ने देखें कितना खूबसूरत तरीके से गल चुका है और कितनी मजेदार सी खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी टाइम है इसकी अच्छे से भुनाई करने का। जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे जनाब उतना ही इसका असर और उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा सारी चीज़ों का। जनाब एक चीज़ और मैं बताता चलूँ अपने बहन भाइयों को कि जो देसी मुर्गे का सालन होता है ना इसमें ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करते। आपने देखा होगा मैंने थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली है और 1 टीस्पून मैंने डाली दड़ा मिर्च और नमक और हल्दी बस। और ये देखिएगा जनाब ये सिंपल बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और वाकई आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ले जनाब अभी मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ अच्छे से। ले जनाब अब मैं इसमें डालूंगा जो मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने बचाई थी ये डाल दूंगा इसमें और साथ ही मैं जनाब ये सब्ज़ धनिया डाल दूंगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जितना सिंपल अंदाज में बनेगा सिंपल स्पाइस ऐड होंगे उतना ज्यादा मजेदार होगा। ले जी बच्चों को यखनी देने के बाद जो थोड़ी सी मेरे पास बची थी मैं इसमें डाल दूंगा
ले जनाब, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगा जनाब। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही जनाब। ये जो खड़े मसाले मैंने डाले थे, दालचीनी की, बड़ी इलायची की जी, इसको मैं 2 मिनट के लिए स्टीम दूंगा, क्योंकि मेरा सूप भी पका हुआ है, गोश्त भी पका हुआ है। इसको स्टीम देंगे सिर्फ 2 मिनट की, मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। लें जी, ऑयल इसने छोड़ दिया हुआ अपना, और अभी मैं फ्लेम करता हूँ बंद। और ये देखिए जनाब, कितना मज़ेदार देसी मुर्गे का सालन है, क्या बात है। क्या बात है जी, जबरदस्त। वाह जी वाह, मजा आ जाएगा जनाब जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे, और वाकई कहेंगे कुछ चीज बनी है बिल्कुल सिंपल सिंपल स्पाइस के साथ, सिंपल सिंपल तरीके के साथ। लें जनाब, क्या बात है जी। ये है जनाब बड़ा ही मजेदार घर का पला हुआ देसी मुर्गे का सालन, क्या बात है जनाब, जबरदस्त। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ले जी, मेरे पास 2 किलो चिकन है, जिसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है। हम लोग बनाने जा रहे हैं जनाब काली मिर्च की कढ़ाई। और मैं खास बात बताऊं जनाब, कढ़ाई का जो जब बनाना है, वो उसका पीस जो है ना गोश्त का, थोड़ा छोटा होता है, ये देखें इस साइज का होता है। ले जी, साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के रख दिया, और इसमें जो ऑयल जाएगा वो जाएगा जनाब 1.5 कप। ले जी, ऑयल गर्म हो चुका हुआ है, साथ ही डाल देंगे हम लोग चिकन, इसको फ्राई करेंगे। ले जनाब, इसको अच्छे से हम लोगों ने फ्राई करना है, ताकि जो चिकन का पानी है वो निकल जाए, और हमारा जो है ना चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए ऑयल में। ले जी, मेरे घर आ रहे थे गेस्ट, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि जनाब आपके यहाँ की चिकन कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बहन भाइयों को साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए। उन्होंने बोला था कि काली मिर्ची वाली कढ़ाई खानी है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि काली मिर्ची वाली कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है। और चीज़ों को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। और क्वांटिटी को फॉलो कीजिएगा, ये 2 किलो मेरे पास चिकन था, और जिस टाइम पे मैंने जो चीज़ डालनी है ध्यान से देखिएगा। ये जो आवाज आ रही है, ये चिकन का पानी निकल रहा है, इस वजह से ये आवाज आ रही है। इसको जनाब हमने अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ा सा डार्क हो जाए। ले जी, देखिए गोल्डन कलर चेंज हो चुका हुआ है, और पानी में तो थोड़ा सा बच गया है। और ये है जी मेरे पास 5 बड़े साइज के टमाटर, क्योंकि कढ़ाई में प्याज नहीं जाएगा, टमाटर में कढ़ाई बनती है, अच्छी ग्रेवी बनती है। ले जी, इसमें प्याज नहीं जाएगा, अच्छी ग्रेवी टमाटर से बनती है। और ये मेरे पास थे 5 टमाटर, ये मैं इसमें ऐड कर लिए हुए हैं। ठीक 2 मिनट के बाद मैं डालूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, ताकि इस पानी में डालूंगा जी, डाल दिया मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है जी 2 टेबलस्पून। और ये हम बना रहे हैं जनाब काली मिर्ची वाली कढ़ाई। ले जी, ये मेरे पास है 1.5 चम्मच नमक, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और उसके बाद जनाब इसको देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट का दम, ताकि जब टमाटर अच्छे से गल जाए। नहीं जी, अब मैं इसको ढांप दूंगा, ताकि जो टमाटर नजर आ रही है अच्छे से गल जाए, और बड़ी मजेदार सी ग्रेवी बने।
और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरे पास कढ़ाई है, कोई भी लोहे की कढ़ाई ना, इसको ढकना नहीं होता, इसलिए कोई भी जो आपके पास ढकना है वो आप उसमें दे सकते हैं और फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, लें जी मीडियम फ्लेम कर देंगे, बाकी सारी पकाई जो वो हाई फ्लेम पे होगी। ले जनाब इसको 3 मिनट हो चुके हुए हैं, अभी मैं इसको उठाता हूँ। और अब ये है जी मेरे पास काली मिर्ची, इसको डाल देंगे। ले जनाब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जी मेरे पास 1/2 टीस्पून हल्दी कलर के लिए, लें जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लें जी काली मिर्ची थोड़ी तीखी होती है, इसलिए मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ लोग पसंद करते हैं ज्यादा, कुछ लोग कम। ले जनाब चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब ये मेरे पास है 1.5 पाव दही, क्वांटिटी गौर से सुनिएगा, 1.5 पाव दही, इसको अच्छे से फेंट लिया मैंने और ये दही जाएगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। जबरदस्त, क्या बात है जनाब, कलर देखें। और दही को मैं तकरीबन 2 से 3 दही के बाद आपने डालना है जनाब ये हाथ से कुटा हुआ 1 टेबलस्पून जीरा, लें जी। और साथ ही जाएगा जनाब ये हाथ से कुटा हुआ धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून, लें जी। और आपने इस टाइम पे दही के बाद डालने हैं, अगर आपने अच्छा टेस्ट लेना है तो जनाब ये दही के बाद जाएंगे। और आप इसकी थोड़ी देर के लिए बुनवाई करेंगे इसकी। लें जी क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अलग खुशबू आ रही जनाब काली मिर्ची की। और आपके सामने डाली है इसमें काली मिर्ची, नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और जीरा। और इसमें रेड मिर्ची का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं काली मिर्ची वाली कढ़ाई बना रहा हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है, ये हल्दी की वजह से आया है। क्या बात है जनाब, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। ले जी जबरदस्त तरीके से जनाब हमारी कढ़ाई बन गई है। और जनाब आज जो गेस्ट खाएंगे मजा आ जाएगा। ये देखिए जनाब, हाँ, क्या बात है, मजेदार कढ़ाई और काली मिर्ची वाली कढ़ाई, बड़ी बात है। ले जनाब मैं दिखाता हूँ हमारा चिकन कितना अच्छे से गल चुका हुआ, ये देखें, ये लंग पीस है जी, ये देखें जनाब हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया हुआ है। ये देखें जी, ये हमारा जनाब लेग पीस है, कितना मजे से गल चुका है, जबरदस्त, क्या बात है, कलर चेक करें इसका। और ले जनाब ये बाकी देखें, मैं आपको बोटी दिखा रहा हूँ जनाब, ये देखें जनाब पूरी की पूरी अपनी जान में है और गल भी चुकी है। ले जी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ले जनाब करूंगा बंद ये हमारी जबरदस्त कढ़ाई और अभी इसको करूंगा गार्निश धनिया के साथ। और अब डालूंगा सब्ज मिर्ची। जनाब मेरे पास है जी अदरक, ले जी ये है जी हमारी मजेदार काली मिर्ची वाली कढ़ाई। क्या बात है जनाब, लुक चेक करें कितनी खूबसूरत है, वाह जी वाह, जबरदस्त जी, हर चीज लेवल पे, खुशबू बहुत आला, मैं आपको बता नहीं सकता कि जनाब कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी शक्ल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी मजेदार चीज बनी है। ले जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और अभी करते हैं अपना स्टेप 1। हम बना रहे हैं
तवा पीस, और तवा पीस के लिए मैंने लिया जनाब लेग पीस लिया मैंने पूरा, इसको इस तरह कट लगा लिया, आपने डीप कट लगाने, देखिएगा नीचे तक कट लगाए, ये देखें। और एक पीस लिया जनाब मैंने चेस्ट का, बाकी मैंने लेग पीस ले लिए। और इसकी जो इसका जो वेट है वो है 1.5 किलो। दोस्तों पहले आते हैं अपने स्पाइस की तरफ। मेरे पास है जनाब 3 चम्मच लेमन जूस, और ये मेरे पास है सुरख मिर्च 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच है दड़ा मिर्च, और 1 चम्मच है नमक, और 3 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। में रख लेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए अपने चिकन के पीसेस इस तरीके से। और याद रखें जो काम हम लोगों ने हाथों से मैरिनेशन करनी होती है कुछ भी, तो हाथ आपने अच्छे तरीके से वॉश करने हैं। मैंने भी अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश किए हैं। देखें सबसे पहले जनाब इसमें मैं डालूंगा लेमन का जूस इस, और उसके बाद मैं डालूंगा जनाब मिर्च, नमक, और उसके बाद डालूंगा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, और उसके बाद जनाब इसको अच्छे तरीके से हम लोग हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि इस हमारा जो मसाला है अच्छे तरीके से ये जो कट शट है उनमें चला जाए। दोनों हाथों से आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये दोस्तों देखें अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है मसाला, इसमें अच्छे से लग चुका हुआ है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया हुआ है। ये देखें कितना अच्छे से इसके अंदर तक लगा मसाला, ये देखें, ये मैं इसकी आपको ये तय दिखा रहा हूँ। ये ले जनाब स्पाइस अच्छे से लग चुके हैं, और इसको कम अज कम 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे हम लोग, मैरिनेट होने के लिए रख देंगे इसको। ले जनाब 30 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए, देखते हैं इसको। हाँ 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 जबरदस्त। तो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ले दोस्तों मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, और मैं फ्लेम में रखना मीडियम, ये देखिएगा, और ऐसे ही कढ़ाई को पकड़ के इसको को रख देंगे। और ले जी मेरे पास कुकिंग ऑयल है, इसमें मैं कम से कम 3 चम्मच इस तरीके से ऑयल डालूंगा, ये 2 और ये 3 बस। और इसको हमने इसी में इसको स्टीम देनी है, और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, लेकिन अभी इसको मैं देखता हूँ कि ये मुझे कितना पानी की जरूरत है, मैं वो दिखाऊंगा आपको कि कितना पानी इसमें मैं ऐड करूंगा, ताकि ये कम अज कम 70% इसी में गल जाए, और बाकी जो 30% है वो हम तवे पे इसको पकाएंगे। देखिए ऑयल मैंने शामिल कर लिया, ये देखें ये मेरे पास 1/2 कप पानी है, ये इसमें ऐड करूंगा, और इसको कम अज कम हम लोग 10 मिनट के लिए इसको स्टीम दे देंगे। ले जी अब इसकी एक दफा फिलहाल चेक कर लेता हूँ मैं, बस ठीक है, काफी है पानी 1/2 कप कुछ इसका चिकन का भी निकलेगा। तो ले जी इसको भी ढाप देते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये बारबेक्यू करके भी होता है, तवा पीस बनता है, इसको फ्राई करके भी बनाया जाता है, और जो जिस तरीके से मैं अभी बना रहा हूँ इसको स्टीम के साथ इस तरीके से भी बनाया जाता है। और मैं आपको तीनों तरीकों से सिखाऊंगा, बारबेक्यू से भी, फ्राई से भी, और स्टीम से भी। अभी हम बना रहे हैं स्टीम के साथ। अच्छा एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इसको हमने स्टीम देनी है, पहले 10 मिनट एक साइड को पकने देंगे, फिर उसके बाद किसी चिमटे से या किसी चम्मच से इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर 10 मिनट हम लोग उसको स्टीम देंगे। तो ये टोटल हमारा जो स्टीम का प्रोसेस है वो 20 मिनट का है, और ये प्रोसेस सारा हमारा होगा लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने इसको गलाना है। ले जी 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं, अभी इसकी साइड चेंज करेंगे चिकन की। जबरदस्त क्या बात है जी, कमाल की खुशबू। ले जनाब इसको बड़े आराम से इसकी जो जो साइड हैं वो हम लोग इस तरीके से इसको चेंज करेंगे, ऐसे रखेंगे, और वो नीचे छोटा पीस है उसको नहीं छेड़ेंगे, ये जो चेस्ट है इसके भी साइड चेंज करेंगे यूं। ले जी
अब इसको फिर से ढांप देंगे दोस्तों, इसको भी 10 मिनट रखेंगे और हम जो हमारी आंच है लो टू मीडियम कर देंगे। ले जी, ये मैंने कर दिया क्योंकि एक साइड हमारी पक चुकी है जिस तरह की चाहिए थी। अभी 10 मिनट के लिए दोबारा मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी बहनों और भाइयों, जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तो मैं बाकी चीजें बताता हूँ आपको कि जो तवे पे हमने बनाना है तो उनके लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है। मेरे पास है जनाब 3 अदद टमाटर, मीडियम साइज के थे, इसके मैंने इस तरीके से गोल गोल रिंग में काट लिए इनको। और ये मेरे पास ही 8 अदद सब्ज मिर्ची, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और मेरे पास थे 5 अदद लेमन, ये देखिए छोटे साइज का था, इसको भी मैंने रिंग शेप में काट लिया इसको। और ये मेरे पास है जनाब 1/2 किलो दही और 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच है मेरे पास सूखा धनिया, 1 चम्मच है मेरे पास जीरा, इसको मैंने क्रश कर लिया हुआ धनिया के भी और इसको भी, और 1 चम्मच है मेरे पास गरम मसाला और 1/2 चम्मच है मेरे पास हल्दी और ये कुछ थोड़ा सा धनिया है जो ये देखिए कितना जबरदस्त प्यारा सा धनिया। तो चले जनाब देखते हैं अभी। अच्छा अभी हम रेडी करेंगे दही का मिक्सर, यानी जो मसाला जो हम लोगों ने डालना है उसके ऊपर जब हमने तवा पे इसको फ्राई करना है, सारा आगे काम इसी का है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है और उसमें बारी बारी चीजें डालते जाना आपने, गरम मसाला ठीक है, और साथ साथ आपने इसको मिलाते जाना है और पानी इसमें ऐड नहीं करना दही में, ठीक है। इस तरीके से एक हाथ से हिलाते जाए, एक हाथ से चीजें डालते जाए, धनिया पाउडर ये देखें, और ये है जी जीरा। और मैं कोशिश करता हूँ जीरा धनिया जो सूखा धनिया होता है इसको उस दोरे की मदद से खुद हाथ से क्रश करूं, क्योंकि जो पाउडर होता है जो मार्केट से मिलता है यार, वो उसका उस तरीके से टेस्ट नहीं आता, वो मजा नहीं आता। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है जब मैं काली मिर्ची इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं इसी तरीके से करता हूँ। और अब डालेंगे इस टाइम पे हल्दी। ले जी ये जनाब, और आप सोच रहे होंगे कि भाई ने नमक नहीं डाला, नमक ऑलरेडी हम लोग चिकन में डाल चुके हुए हैं, इसमें नमक ऐड नहीं होगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस दही में ऐड करूंगा कि ना के उस चिकन में। ले जनाब ये मिक्सर हमारा रेडी हो गया है और इसको मैं नॉर्मल जबान बोलता जी मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है, आगे सारा काम सारा टेस्ट इसी का ही है। ले जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको साइड पे करते हैं और देखते हैं अपने चिकन को कहां तक पहुंचा है। जबरदस्त। ले जी कितना जबरदस्त कलर आ गया। अब देखें ये आपको जो थोड़ा सा पानी नजर आ रहा होगा इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम तवे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं अपना फ्लेम बंद कर देता हूं और चिकन के पीसेस को मैं सेपरेट निकाल लेता हूं। ले जी चिकन के पीसेस को मैं अलग से प्लेट में निकाल लेता हूं इस तरीके से। ले जनाब देखें कितने अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है, इतना ही चाहिए था मुझे। ले जी और बाकी ये जो पानी बचा है इसको हम, मैंने बताया था इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारे तवे पे काम आएगा। ले जनाब कितना जबरदस्त कलर इसका आ गया हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के। ले जनाब चिकन मैंने प्लेट में डाल दिया और ये जो इसका पानी बचा था देखिए इतना सा पानी बचा है, ये मैंने कप में डाल लिया और अभी प्रोसेस शुरू करते हैं जनाब अपने तवे का। ले जी तवा मैंने चढ़ा लिया, गर्म हो चुका है, मेरे पास है 1 कप ऑयल, इसमें मैं आधा इस्तेमाल करूंगा और आधा मैं रख लूंगा इस तरीके से इसको फैला के। ले जी इसको मैं अच्छे तरीके से तवे में फैला लूंगा ताकि अच्छे से ग्रीस हो जाए। अभी तवा हमारा बिल्कुल रेडी है और ये मुझसे मांग रहा है जनाब के रखिए जनाब चिकन और आपको मजेदार सा चिकन तवा पीस बना के दें।
ले जी बारी है हमारे मजेदार चिकन की, इसको रखता हूं मैं। ले जी अब ध्यान से देखिएगा। ले जनाब सबसे पहले जाएगी सब्ज मिर्ची और ये इसी में बनेगा, और थोड़े से लेमन यूं इसी कैसे फुला लेंगे इसको, और चंद टमाटर जाएंगे। ले जी आप चिकन को रखूंगा इसके ऊपर। ले जनाब और ले जी अभी इस्तेमाल करते हैं जनाब अपने चम्मच का, और ये सारा प्रोसेस स्लो पे होगा, लो फ्लेम रखना आपने, और इसको कम अज कम लगेंगे हम लोग 15 मिनट इस साइड को पकाएंगे और 15 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे, और बाकी टमाटर जनाब इस तरीके से ऊपर रख देंगे यूं। और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने वो जो मसाला बनाया था वो कब और किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। लें जी ये गलेंगे और देखिएगा कि कितना कमाल का टेस्ट आता। ले जनाब मजेदार बड़े मजेदार किस्म का जनाब तवा पीस रेडी हो रहा है, और थोड़ा सा मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है ये डालूंगा, और इस टाइम पे ये इसलिए डालूंगा ताकि ये सारा कुछ इसके असर निकल जाए, टमाटर का, लेमन का, सब्ज़ मिर्च का, तो इसका भी जनाब इसी तरीके से असर चिकन में जाएगा। ले जी जबरदस्त हो गया। ले जी इस टाइम पे इतनी कमाल की खुशबू आ रही है टमाटर की, धनिया की और लेमन की जबरदस्त, और सब्ज मिर्ची की क्या बात है जनाब। अगर आप यहाँ पे हो तो आप बोलें कि अब्बास भाई हमें अभी कभी उतार दें। और ले जी अभी टाइम हो चुका है इसकी साइड चेंज करने का, अभी टाइम आ गया इसका साइड चेंज करने का। ले जी इस तरीके से इसको चेंज करेंगे साइड को। हाँ हाँ जबरदस्त क्या बात है जी। ले जी देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आ चुका होगा जबरदस्त। और अभी जो दही हम लोगों ने जो मसाला बना के रखा है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि वो हम लोगों ने कब इस्तेमाल करना है। तो देखिए जी चिकन ड्राई हो रहा है, और ये साथ साथ जो पानी था मेरे पास ये थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम लोग इस तरीके से। ले ये डाल दिया हमने जबरदस्त। और एक चीज मैं बता दूं कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आवाज भाई के पास तवा है जनाब तो हम कैसे बनाए, हमारे पास तवा नहीं है। आप नॉर्मल जिस पे रोटी बनाते हैं आप उस तवे पे भी इसको बना सकते हैं। मेरे बहनों ने मेरे भाइयों ने जनाब परेशानी नहीं लेनी कि हमारे पास तवा नहीं है, इतना बड़ा तवा कहाँ से लेके हैं। बहनों और भाइयों ये आप अपने फ्राई पैन में बना सकते हैं जिसमें रोटी बनाते हैं, तवा उस पर बना सकते हैं, ये वही चीज़ बनेगी। सिर्फ आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, तमाम चीज़ों को फॉलो करना है कि कितनी क्वांटिटी थी और कब कब कौन सी चीज़ डाली है मैंने। ले जी दोस्तों बाकी देखें पीस बड़े अच्छे से बन रहे हैं, ये पीस थोड़ा बड़ा है चेस्ट का इसलिए मैं इसको थोड़ा सा खोल दूंगा इस तरीके से यूं ताकि अंदर तक इसकी पकाई हो जाए। ले जी जबरदस्त ये खुल गया। ले जनाब ये देखिए खुल गया अच्छे तरीके से, अब इसकी पकाई अच्छे से होगी। ले जनाब अब डालेंगे हम इसमें जो सवे पीस की जान है जिससे इसका मजेदार टेस्ट आएगा ये मसाला। आहा ले जी इस तरीके से डाल देंगे इसको इसके ऊपर, और ये खुद बखुद नीचे चला जाएगा। ले जनाब अब आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए,
क्योंकि आपका फ्लेम देखिएगा, अगर ये लग रहा है तो आप फ्लेम उसको और स्लो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हर चूल्हे के फ्लेम का अपना हिसाब होता है। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ले जी जबरदस्त हो गया, कमाल की खुशबू आ रही है, जबरदस्त। साड़ियों का खास होकर ख्याल रखना आपने जनाब, आपकी साड़ी लगनी नहीं चाहिए। नहीं जी, तो दही हमारा ड्राई हो चुका है, अभी फिर से दही डालेंगे। इसकी जनाब सारी पकाई जो ना बाकी वो दही में ही होगी। क्योंकि बाहर होता है वो होते हैं जनाब तवे बड़े और बर्नर होते हैं और एक जैसा, क्योंकि ये मैं चूल्हे में कर रहा हूँ तो थोड़ी सी इसलिए तवा हिल जाए, थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ये है कि बस इसको मैनेज करना है हमने। इसको क्या है, हमने इसको करना है। ले जी, ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है और मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है और दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है कोयला इसको धुआं देने के लिए। और ये जनाब आपको बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आएगा घर में, जैसे आप बाजार से खा रहे हैं, किसी बड़ी मशहूर दुकान से खा रहे हैं। मेथड सेम है, ठीक है, वो बारबी का करके बनाते हैं और जनाब इसमें आपको बारबी का भी टेस्ट आएगा। ले जी, ज़बरदस्त हो गया। देखें ये इसकी निशानी है, देखें स्किन से हड्डियों से जो ना वो गोश्त पीछे हो चुका हुआ है, ये भी देख लें, ये भी देख लें, और ये देखें जनाब चर्स का पीस खुल चुका हुआ है प्रॉपर तरीके से। ले दोस्तों, हमारा चिकन तवा पीस रेडी हो चुका हुआ है और अब मैंने इसको देनी है कोयले की धूनी। ये मेरे पास प्याज है, प्याज को मैं जनाब इस तरीके से रख दूंगा यूं और फ्लेम करूंगा बंद और इसको उठाऊंगा इस प्याज के ऊपर इस तरह, और इसमें कोई तकरीबन आधा चम्मच चार ड्रॉप्स हैं ऑयल के, ये डाल दूंगा और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा परात से। ले जनाब इसको ज़्यादा नहीं, आपने कम अज़ कम 2 मिनट रखना है और आपने फ्लेम बंद कर देना है। ले जनाब 2 मिनट के बाद आपको मिलेगा मज़ेदार को चिकन तवा पीस ज़बरदस्त किस्म का, और ये इसको मैंने ढाम तो दिया लेकिन बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत आला, बहुत मज़ेदार, कमाल का। और जब आप ट्राई करेंगे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ तो आप खुद इस चीज को महसूस, इसको 2 मिनट हो चुके हुए हैं, जबरदस्त क्या बात है जनाब, बड़ी मजे की खुशबू। और अभी कोयलों को और इस प्याज को निकाल देंगे। ले जनाब जबरदस्त क्या बात है। ले जनाब ये बड़ी प्यारी सी प्लेट है मेरे पास, इसमें डिश आउट करता हूँ। ले जनाब बड़ा मज़ेदार बहुत कमाल का चिकन तवा पीस रेडी है, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मज़े मज़े के जनाब खाने खाएंगे और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। जी बहनों और भाइयों, चिकन कलेजी पोट मसाला बनाने के लिए मेरे पास है पोट। देखिए मैंने इसको दरमियान में कट करके धोए से कर लिया हुआ है, और कलेजी दिल और कलेजी ये देखें जी, और दिल के मैंने ये देखें इस तरीके से 2 पीस किए हुए हैं। इसमें होता है क्लॉट, आपने जब भी दिल का इस्तेमाल करना है चिकन के दिल का तो आप इसको दरमियान से काट और अंदर से क्लॉट निकालना है। देखें ये सारे मैंने इस तरीके से देखें खोला हुआ है, इसको क्लॉट निकाले हुए हैं, और इन तीनों चीजों का वजन है 1 किलो। और मैंने लिया बड़े साइज का प्याज, इसको इस तरीके से चॉप कर लिया। मीडियम साइज का टमाटर लिया, टमाटर मैंने मीडियम साइज का इसलिए लिया है इसमें मैंने दही का इस्तेमाल करना है। और मेरे पास है जनाब 5 अदद सब्ज मिर्ची जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया, और एक खाने का चम्मच भर के मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मेरे पास जनाब एक प्याली में दही है, ये कम अज कम 5 से 6 चम्मच है,
और ये मसाला जो मेरे पास है जनाब, सुरख मिर्च का पाउडर, दरा मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च और सूखा धनिया हाथ से कुटा हुआ, और खड़े मसाला जो मेरे पास है जीरा, एक अदर इलायची, थोड़ी सी मेरे पास है काली मिर्ची और दो छोटे छोटे पीस, तीन मेरे पास पीस हैं दालचीनी के, और सब्ज धनिया गार्निश कर लिया, और एक कप कुकिंग ऑयल। और चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेप वन। जी प्याज ऐड कर दिया है, इसको फ्राई करेंगे। प्याजों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, इसको इसका कलर हम लोगों ने ब्राउन लेके आना है। और ये देखें जी, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, और इस टाइम पे मैं ये जो मेरे पास खड़े मसाले हैं ये ऐड करूंगा, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ध्यान से तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। देखिए जी, ब्राउन की तरफ आ रहा है और जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है जीरा डालने से। ले जनाब, और इसके बाद फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और जनाब आज आपको मिलेगी बहुत ही मजेदार, बड़ी कमाल की टेस्टी मसालेदार कलेजी पोट। बहुत से बहन भाई बड़ा पसंद करते हैं जनाब, पोट होनी चाहिए, कलेजी होनी चाहिए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि बनाना कैसे है उसको। और ये आपका भाई आपके लिए जनाब आज इसी वजह से रेसिपी लेके आया, क्योंकि मेरे पास इस तरह की बातें आई थी कि ले जी किस तरीके से बनाना है, कैसे करना है। और ये उसके बाद इसमें ऐड करूंगा जी टमाटर, इनको अच्छे से गला लेंगे। और इस टाइम पे अभी मसाला नहीं मैंने डाला था, कितनी कमाल की खुशबू आ रही है। और उसके बाद इसमें ऐड करूंगा जनाब सब्ज मिर्च, ले जी बड़ी अच्छी सी पेस्ट बन रही है। और साथ ही मैं ऐड करूंगा ये जो मेरे पास मसाला जाप थे, सारा काम जनाब ये जो भुनाई है ना, सारा काम इसी का, सारा टेस्ट इसी का। और इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ दो से तीन घूंट पानी डालेंगे, और ताकि ये जो मसाला मेरे पास खड़ा खड़ा है ये अच्छे से गल जाए, और इसको अच्छे से भूनूंगा मैं। ले जी मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखे ऑयल ऊपर आ गया। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा पोर्ट, क्योंकि पोर्ट थोड़ी सख्त होती है, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा गला लेंगे, क्योंकि कलेजी बहुत नरम सी होती है, कलेजी भी दिल भी, दिल तो वैसे ही बहुत नरम होता है, ये तो आप सब जानते हैं। ले जनाब इसको मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई करूंगा, और जो मेरा मसाला है अच्छे तरीके से रच बस जाए इसमें, ताकि खाने में मजा आए। और हमने इसको घी में ज्यादा नहीं फ्राई करना, सख्त हो जाएगी। और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी इसको गलाने के लिए। ले जनाब इसको 1/2 कप पानी डाल के इसको हम लोग ढांप देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ले जी 5 मिनट के बाद, ले जी 3 मिनट हो चुके हुए हैं, इसको एक दफा हिला लूंगा, देखिए ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है, एक दफा इसको हिला लूंगा, और ये जनाब देखने से लग रहा है कि पोर्ट हमारी गल चुकी हुई है। इसको ज्यादा नहीं, तकरीबन 2 मिनट और रखूंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको और दाम दूंगा। ले जनाब टाइम पूरा हो चुका होगा इसका। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी कमाल की खुशबू। और इस टाइम पे मैं ऐड करूंगा दिल और कलेजी, और कलेजी और दिल डालने के बाद जनाब इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगा मैं आहिस्ता से, क्योंकि नरम होती है। ले जनाब और इसमें डालूंगा मैं दही, और जब आपने दही डालनी है तो आपने फ्लेम को कम करना है, ये देख। और इसमें मैं डाल दूंगा दही, ले जी दही ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को दोबारा उसी लेवल पे लेके आ जाना है,
जिस लेवल जब हम लोग फ्राई कर रहे थे जिस लेवल पे फ्लेम था। ले जी देखिए मैंने अपने फ्लेम को दोबारा मीडियम पे ले आया हूँ और तो मैं ढांक देता हूँ, तकरीबन 3 मिनट के बाद मैं दोबारा चेक करूंगा, तब तक दही भी अपना पानी छोड़ देगी और ये जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी पोट में और हमारी जो कलेजी है और दिल है अच्छे से पक जाएगा। 3 मिनट के बाद दोबारा मिलता हूँ आपसे। ले जी 3 मिनट हो चुके हैं और अभी इसको चेक करता हूँ। ले जी जबरदस्त कमाल का टेस्ट आ रहा है इसका, कमाल की खुशबू आ रही है इसकी, बहुत कमाल बहुत आला। और इसको दोबारा ढांप दूंगा, अभी पानी इसका ड्राई नहीं हुआ। और 3 मिनट बाद दोबारा फिर चेक करूंगा। ले जनाब 3 मिनट हो चुके हैं। वाह जी वाह क्या बात है, बहुत आला। देखिए इतना प्यारा सा घी पर आ चुका होगा, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगा मैं यूं। और मजीद इसको 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा फ्राई करूंगा मैं। ये देखें कितनी खूबसूरत जनाब चमक रही है मेरी कढ़ाई, मसाला कितना जबरदस्त लग रहा है, क्या बात है। और साथ ही जनाब इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो और उभर के बाहर आ जाए। ले जी और इस टाइम पे मैं ऐड करूंगा, मेरे पास पास है बड़ा प्यारा सा सबस सबस धनिया। ले जनाब और गार्निश, और ये कुछ बड़ी कटा हुआ अदरक है मेरे पास, ये मैं रखा था। ले जी बहुत आला बहुत कमाल, ये है जनाब जबरदस्त किस्म की कमाल की बहुत खूबसूरत बड़ी मजेदार कलेजी पोट, मसाला कलेजी पोट। और ले जी अदरक मैंने इसमें ऐड कर लिया और चंद सेकंड के लिए इसको ढांप दूंगा, ताकि धनिया और अदरक का भी अच्छे से टेस्ट आ जाए, थोड़ा सा गल जाए। ले जी 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और अभी मैं अपने फ्लेम को बंद कर दूंगा। ले जी एक दफा इसको अच्छे से हिला लेंगे, ये देखें जी कमाल है जनाब बहुत आला। और अभी मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। ले जनाब बड़ी मजेदार मसाला कलेजी पोट और दिल, सबसे बड़ी बात है दिल रेडी है जनाब। और अभी मैं इसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करता हूँ तो आपको भी मजा आ जाएगा। ले जी ये है मजेदार कमाल की कलेजी पोट और दिल आपके सामने रेडी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी दिल कलेजी और पोट कैसी बनी। ले जी बहनों और भाइयों, ग्रीन चिकन बनाने के लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए, मेरे पास है 1 किलो चिकन और इसको मैंने इस साइज में इसके पीसेस करवा लिए, और उसके बाद मेरे पास जनाब धनिया पुदीना और 3 सब्ज मिर्च, और हरा धनिया और पुदीने की क्वांटिटी देख लें ये ज्यादा है और पुदीना जो ना वो से हाफ है, और सब्ज मिर्ची मेरे पास 3 अदद है जो इसमें मैंने जिसकी चटनी बनानी है, और 1 कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल, और 4 अदद सब्ज मिर्ची मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया, मीडियम साइज का प्याज, मीडियम साइज का टमाटर, और ये जी मेरे पास 4 चम्मच दही के, और ये जो मसाले में लवाजमात है मेरे पास 1 टीस्पून हाथ से कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफेद मिर्च, 1/2 टीस्पून मेरे पास है हाथ से कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, और 1/2 टीस्पून है मेरे पास दड़ा मिर्च, और ये है जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट खाने के 2 चम्मच। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं मसालों की तरह दोबारा है, मसाले धनिया मैं कोशिश करता हूं कि अपने हाथ से उसको क्रश करूं, और जीरा वो भी अपने अपने हाथ से किया, बड़ा जबरदस्त टेस्ट आता है जनाब, वो रेगुलर वो जो मार्केट से पिसा हुआ वो कम इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें कि दौरे में खुद इसको क्रश किया करें। और ये है 3 अदद मेरे पास सब्ज इलायची। तो चले शुरू करते हैं जनाब अपनी रेसिपी। ले जी मैंने फ्लेम ऑन कर लिया, ये मेरे पास 1 कप कुकिंग ऑयल है, ये इसमें ऐड करेंगे
और इसको गर्म करेंगे। ले जी मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें चिकन इसमें ऐड करूंगा, इसको फ्राई करेंगे। जी इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगा ताकि इसका जो पानी जो निकल रहा है अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं जी जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है तब तक हम लोग ग्रीन चटनी बना लेते हैं। नहीं जी ये सबसे पहले डालेंगे इसमें हरा धनिया तरीके से और साथ ही ये जो है सब्ज मिर्च डाल देंगे इस तरीके से। ये जनाब सारा मजा इसी का है और इसी ने कलर लेके आना है, जो हमारे चिकन की शान है ना ग्रीन चिकन वो जनाब ये लेके आएगा। और इसमें मैं डालूंगा 1/2 कप पानी। ले जनाब इसको ले जी हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ना जबरदस्त पेस्ट है और कितना कमाल का कलर है। और साथ ही देखते हैं अपने चिकन को। ले जी तकरीबन हो चुका होगा, अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा। ये देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ और बोटी भी हमारी सख्त हो चुकी हुई है। देखिए आपने बस इस चीज का ख्याल रखना है। नहीं जी अब इसको निकालते हैं। ये लाइट ब्राउन हो गया इसका कलर और अभी मैं एक बर्तन में निकाल लूंगा इनको। चिकन निकाल लिया और इसी ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे, इनको इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए जी मेरा प्याज ब्राउन हो चुका हुआ है और अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो ये जल जाएगा। और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरा प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अभी ऐड करूंगा टमाटर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगा सब्ज मिर्च। आपने फ्लेम से अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरा फ्लेम कितना है और ये कलर देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। ले जी साथ ही मैं ऐड कर दूंगा अपने मसाले। इसमें मैं 1 से 1.5 घूंट पानी डालूंगा ताकि जो मेरे मसाले हैं ये जो खड़े खड़े नजर आ रहे हैं इससे मिक्स हो जाए। और अभी डाल दूंगा चिकन। इसे फॉलो कीजिएगा, मैंने प्याज कहाँ पे रखा, मैंने लहसुन अदरक कहाँ पे रखा, किस पॉइंट पे लेके आया उसको। 2 से 3 मिनट मजीद भूनेंगे ताकि जो मेरे मसाले हैं वो चिकन में अच्छे तरीके से रच बस जाए। वाह जी वाह क्या बात है, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है जनाब। अगर आप यहाँ पे होते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप कहते कि बस मुझे अभी कभी खाना है। जनाब अभी किधर खाना है, अभी तो इसमें हमने इसकी शान ऐड करनी है सब्ज चटनी, क्योंकि हम बना रहे हैं सब्ज चिकन। और इस टाइम पे मैं ऐड करूँगा, मेरे पास दही है ये देखिए जी, जबरदस्त। और जनाब बड़े मजे मजे की चीजें इसमें ऐड हो रही हैं और बड़ी मजे की चीज बन रही है।
प्रॉपर आपको दिखाने का मकसद ये है कि प्रॉपर देखें जी कलर कैसा चाहिए हमें, कलर किस तरह का कलर चाहिए। ये देखें, ये ऑलरेडी ये देखें कितना खूबसूरत है। मैंने तमाम मसाला जात आपने अच्छे से फॉलो किए हैं कि मैंने किस क्वांटिटी में रखे हैं। हम इसको इतना भून लेंगे, ये जो दही हमने डाला है तब तक ये अपना पानी ड्राई कर दे, पानी छोड़ दे, पानी तो उसने छोड़ दिया हुआ है, पानी अच्छे से ड्राई हो जाए इसका। ले जी देखें, दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऊपर ऑयल आ चुका है। इसमें डालूंगा आधा गिलास पानी ताकि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। ले और इसको मैं ढाँप दूंगा और फ्लेम को कर दूंगा मजीद मैं मीडियम और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम दूंगा। क्या बात है, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। पानी थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे। हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो चुका हुआ है, यही चीज चाह रहा था मैं। लेकिन देखिए पानी ड्राई हो चुका हुआ है, ऊपर ऑयल आया है। अब ये मेरे पास है सब चटनी, इसको अच्छे से हला लूंगा मैं और ये इसमें डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, और अच्छे से मिक्स कर लूंगा जी इसको। ले जनाब, कितनी जबरदस्त लुक है, वाह जी वाह। इसको 2 से 3 मिनट में मजीद इसको पकाऊंगा। ले जी देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूंगा जब तक ये अपना ऑयल नहीं छोड़ता। ये देखें जी, ग्रीन ग्रीन सारा जबरदस्त ग्रीन चिकन है जनाब। क्या बात है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहन भाई इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ये ग्रीन चिकन खाएंगे और मज़ा करेंगे। ले जनाब, हमारा ग्रीन चिकन रेडी है। अब इसको मैं गार्निश करूँगा, फ्लेम कर दूंगा बंद यूँ। और ये जनाब है हमारी सब्ज मिर्ची, बड़ी खूबसूरत सी। हाँ हाँ, और ये है जी मेरा अदरक। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब। ले जी मैं अभी इसको डिश आउट करता हूँ। क्या बात है जी, जबरदस्त मजा आ जाएगा जनाब जब मेरे बहन भाई इसको बना के खाएंगे। तो फिर वही बात, एक दफा जरूर बोलिएगा कि क्या बात है जनाब, ग्रेवी देखें, चिकन देखें जनाब, सबज सबज। ले जी कमाल हो गया। थोड़ी सी ग्रेवी और डालता हूँ जी। आ मेरे जनाब मुंह में पानी आ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ले जी ये हमारा गर्मा गर्म ग्रीन चिकन बिल्कुल रेडी है। क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अभी के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।